टाइम सुबह के 6 बज गए हैं। पिछले ब्लॉक में देखे थे जहाँ हम खड़े थे जिस होटल में कानपुर से पहले, ये देखिए उसी होटल में खड़े हैं। दोस्तों सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये देखिए कानपुर से 30 किलोमीटर पहले लग गया है जाम। यहाँ भी वही कारण है, फ्लाई ओवर बन रहा है, उसी का जाम है। फौजी भाई की गाड़ी आ गई है और अपनी गाड़ी उतनी दूर खड़ी है। अब इनसे पूछते हैं, भैया आप लेट कैसे हो जाते हो आने में? खाना खा लिए मेरे को छोड़ के, अकेले अकेले बैठ के इन्होंने आज खाना खा लिया। दोस्तों रात के 12 बज गए हैं और हम आ चुके हैं इस समय चंदौली में, यूपी में। अपना सफर तो चली जा रहा है। अब यहाँ से यूपी का बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है, यूपी और बिहार का बॉर्डर यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर है। राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है और टाइम सुबह के 6 बज गए हैं। पिछले ब्लॉक में देखे थे जहाँ हम खड़े थे जिस होटल में कानपुर से पहले, ये देखिए उसी होटल पे खड़े हैं और ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये भैया फौजी भाई को देख ही रहे। तो चलिए अब सुबह फ्रेश भी हो गई है, चलते हैं चाय पीने। चले चाय पीने, चलो चलो, मैं तो पी लिया, तुम पियो जल्दी। चले चलो भैया, फौजी भाई बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। इनको गाड़ी खाली करना है ना, तभी तो मालिक इनका खुश होगा। अपना सुबह का पहला चाय, अभी यहाँ से कानपुर का सफर 50 किलोमीटर होगा ना, 50 किलोमीटर है। चलते देखते हैं, वहाँ भी एक फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, जाम लगता है। अभी तो नहीं मिलेगा इतना सुबह वाले। दोस्तों सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये देखिए कानपुर से 30 किलोमीटर पहले लग गया है जाम। यहाँ भी वही कारण है, फ्लाई ओवर बन रहा है, उसी का जाम है। नया फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा लंबा तो जाम नहीं है, फिर भी आधा घंटा लगेगा। दोस्तों जो बता रहा था मैं, फ्लाई ओवर का काम हो रहा है, यही फ्लाई ओवर बन रहा है, ये बगल में ये फ्लाई ओवर का काम चल रहा है। और इसी में देखिए ये गाड़ी सर्विस रोड से निकलती है, बीच में गाड़ी भी खराब रहता है। दोस्तों सुबह के 10 बज गए हैं और हम फतेहपुर पार करके खड़े हैं। अभी फतेहपुर से 10-15 किलोमीटर आगे आए हैं और अपना जहाँ से सुबह चले थे कानपुर से पीछे, जहाँ सुबह उठ के, वहाँ से अब तक का सफ़र भी 150 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। यहाँ रुके हुए अभी टायर भी चेक कर लेते हैं। अपने फौजी भाई जो ड्राइवर है, अपने कंपनी की गाड़ी जो साथ में चल रही है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत स्लो चलते हैं भैया, उनका इंतज़ार करें, आएंगे फिर उसके बाद जो है। ये देखिए और सुबह का नज़ारा भी बहुत मस्त है, मतलब एकदम बादल है आकाश में, मौसम पूरा ठंडा है। टायर भी देख लेते हैं, अभी 150 किलोमीटर पे। फौजी भाई की गाड़ी आ गई है और अपनी गाड़ी उतनी दूर खड़ी है। अब इनसे पूछते हैं, भैया आप लेट कैसे हो जाते हो आने में, इतना लेट क्यों चलते हो? हाँ भैया, लेट कैसे कर देते हो? अरे पुरानी गाड़ी है, भगाते नहीं हो गाड़ी। भैया अपना चाल लगा लेंगे, एकदम धीरे धीरे मस्ती में चलते रहेंगे, धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं, अब रुके हैं सामने चाय की दुकान है, चाय पी लेते हैं। भैया देखो, ये भैया की चाय की दुकान नहीं है, ये टायर वायर का भी काम करते हैं भैया। भैया के दुकान पे यही है अपना, ठंडा है, कुरकुरे है, नमकीन है। हमने कहा भैया चलो ठंडा ही पिला दो, अब मौसम भी ठंडा है, देखिए पी लो भैया, फौजी भाई पी लो पी लो। आप तो पूरे ठंडे में आ रहे हो, ठंडा होते होते गाड़ी चलाएंगे। 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए कांटा, बैठा देते उस पे 40-50 आ रही। इंसुलेटर रखते हो क्या ईंट पे, रख के बैठा देते हो? मैं इनके पीछे कुछ दूर चला, मैं कहा भैया ये तो टंकी हमारी खाली हो जाएगी, गियर ही नहीं लग रहा। चलिए यहाँ ठंडा पीते हैं। यहाँ से अभी कहाँ जाना है? अजुआ जगह का नाम है, वहीं पर चलेंगे। आप लोग तो ब्लॉग में देखे होंगे मेरे सैनी ढाबा,
बुग्गा। सुबह के 11 बज गए हैं और हम आ चुके हैं बुग्गा होटल पे यादव जी का, और ये पड़ता है कसम्मी मतलब सैनी बाजार से पहले, और वो देखिए बुग्गा होटल यादव लिखा हुआ है, और ये अपने फौजी भाई साहब की गाड़ी है। चलते हैं यहीं पे, नहाएंगे, खाना भी खाएंगे, और उससे पहले थोड़ा अपना गाड़ी का साफ सफाई कर दे, क्योंकि गाड़ी अंदर से भी गंदा हो गया है। तो ये आपको दिखाते हैं, गाड़ी जो है थोड़ा इसे साफ सफाई कर दे। आज ये जो चद्दर है ऊपर का, ये भी धो देंगे बेडशीट, और इधर भी थोड़ा साफ सफाई हो जाए। नीचे भी देखिए मट्टी जम गया है, क्योंकि बरसात हो रहा था, बरसात में जमीन जब भीग जाता है तो चप्पल पैर धूल से पूरा माटी माटी हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ साफ करेंगे, साफ करके नहा के। दोस्तों टाइम अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम फाइनली नहा के एकदम यहाँ तैयार हो गए हैं। ये बुग्गा जी का होटल, यादव जी का होटल है सैनी में, वहीं पर खड़े हैं, और अपनी गाड़ी ये देखिए नया चद्दर। हम 2 चद्दर लिए थे, तो एक चद्दर को सफा कर दिया है, उसको टांग दिया है, उसको धूप में सूख रहा है, और अब दूसरा जो था उसको आज हमने इसका मुहूर्त कर दिया बिछा के, और गाड़ी भी अपनी पूरी साफ हमने कर लिया है, नीचे भी इसके साफ उफ कर दिए, और ये कूलर अपना चल रहा है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, चलते हैं होटल पे रोटी खाने, रोटी खा के फिर आपसे मिलते हैं। ये भाई ये फौजी साहब खाना खा लिए मेरे को छोड़ के, अकेले अकेले बैठ के इन्होंने आज खाना खा लिया। अब मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये देखिए बुग्गा जी का होटल यादव जी का। हेलो, कौन सा बाजार है सैनी? हेलो, आज ये दगाबाजी की है भैया, कहा हम बोले थे खाने में दाल तो कुछ बोल नहीं किए, दाल ही लगा दो यार, मसूर की लगाना, मसूर की। चलो भैया मसूर की दाल बोल दिए है, कौन सी है? ये देखो भैया, भैया ने दाल भी खाया, भात भी खाया, और दही लेके घुमा रहे। चलिए भैया अपना खाना लग गया है, और ये है होटल मालिक, और आज हमारे साथ फौजी उस्ताद बहुत गलत किए हैं, पहले खा लिए, साथ छोड़ दिए, अब इनका साथ हम भी छोड़ देंगे यार। ये देखिए अपना खाना लगा है, दाल है और दही है, और तो कुछ नहीं है, यही खाएंगे, इधर रोटी है। देख लो ये होटल है पीछे अपने, और यहाँ देखो व्यवस्था बैठने का, ये किचन डिपार्टमेंट, ये रोटी बना रहे भैया, बना लो बना लो। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं, और मेरे कंधे पे देख रहे हैं कपड़ा रखा हुआ है, यही कपड़ा हम होटल पे पीछने के लिए रखे हुए थे, मतलब धो के पीछ दिए थे, वहाँ सूख रहा था, पूरा सूखा भी नहीं है, हम चल रहे गाड़ी में रखेंगे। ये अपना पीछे गाड़ी ही देख रही है, और उस साइड वो देखिए उस साइड होटल है, अपनी गाड़ी इस साइड लगी थी, फौजी भाई निकल गए हैं, उनका माल रास्ते का था, तो शायद हो सकता है खाली भी हो जाएगा, टाइम से पहुंच जाए। अब मेरा माल पटना का है, नो एंट्री का है, तो बहुत मुश्किल है आज पहुंच पाना। तो रात के 9 बज गए हैं, और हम पहुंच चुके हैं इस समय हड़िया, इलाहाबाद भी अपना प्रयागराज, सॉरी बार बार इलाहाबाद निकलता, प्रयागराज पार हो गया है, और यहाँ से अभी बनारस का दूरी ज़्यादा नहीं 70 किलोमीटर है, और जहाँ बुग्गा जी के होटल से खाना खा के चले थे वहाँ से लमसम यहाँ की दूरी 150 किलोमीटर, इतना हमने गाड़ी चला दिया। अब चलिए सामने चाय की दुकान है, चलते चाय पीते हैं, और वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं, अपना माल तो पटना का है, नो एंट्री का। भैया बनाइए थोड़ा चाय बढ़िया, एक चाय एक ही आदमी है, 2 आदमी थे पर उनका साथ बिछड़ गया। भैया अपनी चाय आ गई है कुल्हड़ वाली, चलो चाय पी लें, और अपने साथ जो गाड़ी एक चल रहा था जिसको हम फौजी फौजी बोल रहे थे, फौजी ड्राइवर, उनका भी माल पर सासाराम का था, उनका नो एंट्री का माल नहीं था, वो चले गए। मैं बोला मेरा तो पटना नो एंट्री का है, तो मैं तो आज गाड़ी लगेगी नहीं, तो बोले फिर मैं निकलता हूँ, निकल गए वहाँ से। और अब बारिश हो जाता है तो पता नहीं अजीब सा फिर कीड़ा उड़ने लगता, लाइट जहाँ दिखता वहीं कीड़ा उड़ता,
होटलों में रात में इसीलिए लाइट भी बुझा कर रखते हैं। दोस्तों रात के 12 बज गए हैं और हम आ चुके हैं इस समय चंदौली में, यूपी में। अपना सफर तो चल ही रहा है। अब यहाँ से यूपी का बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं है। यूपी और बिहार का बॉर्डर यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर है। तो आएगा वो नौबतपुर, वहाँ से फिर अपना बिहार चालू हो जाएगा। और यहाँ पर एक होटल है, होटल पे गाड़ी खड़ा किया है। ये सामने अपना रोड भी है, तो चलते हैं दोस्तों होटल पे, रोटी खाते हैं और रोटी खा के यहीं पे सोएंगे, यहाँ से फिर सुबह चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं होटल पे, रोटी खाते हैं। रोटी खा के आने के बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि कल के ब्लॉग में मेरा कुछ स्पेशल होगा। पहले से तो बता दें कि नहीं बताएं? चलिए ठीक है, पहले खाना खा के आते फिर बोलते हैं क्या है। दोस्तों अपना रात का खाना हो रहा है। देखिए भिंडी का भुजिया है, दाल है, रोटी है। दोस्तों रात के 12:30 बज गए हैं और हम खाना भी खा लिए। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये अपना मेन रोड इधर है। और ये देखिए ये होटल है, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, सामने टायर दुकान भी है। और दोस्तों एक बात बताएं, कल के ब्लॉग में मेरा कुछ स्पेशल है, क्योंकि कल कोई मुझे मिलने वाला है। और जो मिलने वाले हैं वो तो बहुत बड़े, तो जब मिलेंगे जब ही देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहाँ पे बाय कहने का समय आ गया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरा आगे का बिहार का ही माल है, पटना का, तो बिहार का भी सफ़र देखने मिलेगा और साथ ही साथ हम पटना भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर बाय।